ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे कि क्या पैसे ले देके जो शादी है वो खत्म करी जा सकती है आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। ओके, सपोज हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे अच्छे तरह से। सपोज एक मैरिज हुई एक स्पाउस की, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, एक साल रहते हैं, एक साल में वो बोर हो जाते हैं और वो चाहते हैं डाइवोर्स। ठीक है, वो चाहते हैं डाइवोर्स और ये बिलोंग करते हैं गाँव से। ओके, ये इतने पढ़े लिखे नहीं है, इनको इतना कुछ पता है नहीं। ओके, मैंने आपको केस के फैक्ट्स बता दिए तो इससे आपको जैसे अच्छे से समझ में आए। तो किसी ने कहा, तो वाइफ बोलती है कि भाई मेरे को आपके साथ नहीं रहना। ओके, हस्बैंड बोलता है ठीक है नहीं रहना, वाइफ अपने घर आ जाती है। तो वाइफ की फैमिली बोलती है कि भाई हमने तो अपनी बेटी की शादी में इतने पैसे लगाए थे, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए जो भी है, तो अब हमें 20 लाख रुपए दे दो और हमारी जान छोड़ दो। तो हस्बैंड पहले तो आनाकानी करता है कि भाई ऐसा नहीं होगा, ये होगा, फिर बाद में वो पैसे दे देते हैं। तो क्वेश्चन ये कि क्या ऐसा हो सकता है। ओके, देखो हो तो ऐसा सकता है, ठीक है, लेकिन कोर्ट की नज़रों में ना, अगर कोर्ट की नज़रों में ये चीज़ें मान्य नहीं रखती। अगर आप ऐसे पैसे ले दे के शादी ख़त्म कर भी देते हो ना, तो कोर्ट में वो शादी ख़त्म नहीं मानी जाएगी एक तरह से। ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ भी कर लो लेकिन कोर्ट में वो शादी ख़त्म नहीं मानी जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज वाइफ ने पैसे ले लिए, ओके, हस्बैंड को लग रहा भाई शादी ख़त्म हो गई। ठीक है, क्यों, पैसे कोर्ट में नहीं दिए गए, पैसे दिए पर्सनल। ठीक है, अब वाइफ वालों को लग रहा है हाँ भी शादी ख़त्म हो गई, हस्बैंड वालों को लग रहा है शादी ख़त्म हो गई। ठीक है, ओके, इनकी सोच है ना वो तो शादी ख़त्म हो गई। सपोज वाइफ को कुछ सलाह दे दे कि भाई पैसे आ गए, बोलती हाँ भाई आ गए, ओके पैसे रखो, ये काम करो मेंटेनेंस का केस डालो। ओके, तो केस डाल दिया, अब महीने का खर्चा भी वो ले रही है, यानी कि उसने लगा दिया कि भाई मेरे को इतने पैसे चाहिए। अब हस्बैंड बोलता है कि भाई मैंने तो इसको 10 लाख रुपए दिए थे। ओके, अब कोर्ट उसको पूछेगी भाई तूने इसको क्यों दिए पैसे। ओके, तो वो बोलेगा भाई इन्होंने ऐसा ऐसा बोला था। तो कोर्ट बोलेगी भाई आपको कानून नहीं पता क्या, आउटसाइड द ऑफ कोर्ट आप क्यों कैसे पैसे दे दिए, ऐसे कैसे मैरिज ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने ये शादी ले दे के ख़त्म करनी है ना, तो आप क्या करो, कोर्ट जाओ, कोर्ट में डाइवोर्स का केस डालो। ठीक है, और मेंटेनेंस के तौर पर उसको पैसे दो। सपोज आपका जो बजट है, आप एक बार में पचड़ा निपटाना चाहते हो कि भाई मेरा डाइवोर्स ये हो जाए, तो आप उसको एक साथ पैसे दे दो जो वो डिमांड करती है। ठीक है, ओके, डाइवोर्स हुआ, आपने एक साथ मेंटेनेंस दे दिया, बात ख़त्म। अगर आप एक साथ नहीं देते तो महीने का दे दो, ओके, और डाइवोर्स ले लो, तो आपकी शादी ख़त्म। तो कभी भी आप ये गलती ना करें, आउटसाइड ऑफ कोर्ट पैसे ले दे के शादी ख़त्म करने की कोशिश ना करें। ओके, कल को अगर वाइफ ने कोर्ट में मेंटेनेंस डाल दिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर हो जाएगा कि आपने पैसे दिए थे। ओके, तो कोर्ट बोलेगी आपने हमारे सामने तो नहीं दिए ना पैसे। ओके, और ऐसा होता भी नहीं, आप पैसे दे के शादी थोड़ी ख़त्म करा सकते हो। ओके, पैसे दे के शादी हो जाती है वो अलग है। ओके, देखो आप खुद समझो यार, शादी होती करवाता कौन है, पंडित वंडित सारे ये लोग कराते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उसको डाइवोर्स के लिए तो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रिचुअल्स हैं, ऐसा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अर्गेटिंग, तो कभी भी आप शादी आउटसाइड द कोर्ट ख़त्म ना करवाएं, पैसे ले दे के ख़त्म ना कराएं। अगर आपको पैसे ले दे के ख़त्म करानी है ना, तो आप कोर्ट में जाओ, डाइवोर्स का केस डालो, वाइफ को मेंटेनेंस दो, फिर शादी ख़त्म होगी। ओके, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। बाय।